आज दिन तेंदुओं का हमला और तेंदुओं की कई घटनाएं लगातार हो रही है जिससे नागरिक भयभीत है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं बल्लारपुर तहसील के विसापुर पावर हाउस परिसर में, जहां पर पिछले कुछ दिनों से आतंक मचाने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में बंद हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। 24 अगस्त की रात करीब 8 बजे शिकार की लालच में वह पिंजरे में घुसा और उसी में फंस गया। रात में ही उसे चंद्रपुर रवाना कर दिया गया। गौरतलब है कि ये तेंदुआ वीसापुर व पावर हाउस परिसर को अपना आशियाना बना रखा था। इसी परिसर में तहसील क्रीड़ा संकुल है, जिसकी वजह से सुबह शाम बड़ी संख्या में खिलाड़ी व सैर सपाटे के लिए निकलने वाले लोग जाते हैं। वीसापुर के नागरिक भी इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। ये तेंदुआ आए दिन इस परिसर में नजर तो आता ही था, मवेशियों का शिकार करना भी अब इसने शुरू कर दिया था। 22 अगस्त को वह वीसापुर के एक आंगन से बकरी का शिकार कर रहा था। राम मंदिर परिसर से उसने कुत्ते को मारा, स्टेडियम में घुसाया, उसके पास के पावर हाउस के गिरे मकानों की दीवारों पर बैठा रहा था। नागरिक वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से इस तेंदुए को पकड़ने की मांग नागरिक कर रहे थे। मुनगंटीवार ने मंगलवार को तेंदुए को पकड़ने संबंधी आदेश जारी किए, जिसके बाद उसे पकड़ने की कार्यवाही बल्लारशाह के वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेश भोवरे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्षेत्र सहायक केएन धुगलोत आदि ने सहयोग किया। इस तेंदुए के पकड़े जाने से परिसर में घूमने वालों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रपुर।